केंद्र तो पंजाब ने मंगिया ने कुछ छोटा पंजाब सरकार ने केंद्र नूं पत्र लिखे नवीं गाइडलाइंस बारे मंगिया कुछ छोटा सूबे वीकेंड लॉकडाउन ते नाइट कर्फ्यू जारी रखने की मंगी आ गया। पंजाब दे मुलाजम यूनियन दी अज खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दे नाल मुलाकात पंचायत मंत्री तृप्त बाजवा भी नाल रहणगे मौजूद होरना सने मुलाजमां दीआं माली मंगां सने कीता जाएगा गौर। कैप्टन सरकार अपने मुलाजमां उपर केंद्रीय स्केल थोपण ते बजट पंजाब विधानसभा विच नवीं भर्ती दौरान केंद्रीय स्केल लागू करन दा हुकम केंद्र तों वध स्केल ना देण दे आदेश जारी। पंजाब विच कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी बीते 24 घंटे रिकॉर्ड च 56 मरीजों ने तोड़िया दम 1699 नवे मामले आए सामने। पंजाब के सरकारी हस्पतालों च महंगा होया इलाज एंबूलेंस लगनगे 5 दी थां 15 रुपए प्रति किलोमीटर ओपीडी रजिस्ट्रेशन फीस 5 तो वधा के 10 रुपए होर फीसां च भी वाधा। सिख फॉर जस्टिस वालों अज पंजाब बंद का ऐलान सूबे च बधाई गई चौकसी थां थां लगाए गए नाके। पटियाला के पिंड भगवानपुर के अकाली सरपंच के पुत्र का कतल गड्डी सवार चार नौजवानों ने गोलियां मार के गुरमेल सिंह की ली जान। लुधियाणा के फील्डगंज कुचा 14 के गुंडागर्दी का होया नंगा नाच शरेआम चलिया बोतलां हवा च लहराईया गई तलवारा। होशियारपुर के निजी हस्पताल च हुई शरेआम गुंडागर्दी मरीज के नाल आए लोगों ने हस्पताल स्टाफ ने की कुटमार नर्सा नाल भी की बदसलूकी। पाकिस्तान वालों सीजफायर उल्लंघना च गोइंदवाल साहब का नायब सूबेदार राजविंदर सिंह होया शहीद अज होगा अंतिम संस्कार सूबा सरकार ने 50 लाख मुआवजा से नौकरी का किया ऐलान।